स्पीड है, एनी शिफ्ट में मैं चेंज कर रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो 8 स्पीड। लास्ट में इसकी कॉस्ट भी बता दूंगा वो कितनी आई है। फिर एन की से थोड़ा सा रोटेट करना है। Hey guys, this is Fatbik of Vaibhav. Well, आपने देखा होगा जो सारी कंपनीज हैं उनमें आपको माइक्रोशिफ्ट गियर्स मिलने लग गए हैं। काफी ऐसे लोग हैं जो शिमानो के फैंस हैं। मैं माइक्रोशिफ्ट को शिमानो में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। So let's see what are the tools that you're gonna be needing. सबसे पहले आपको एक 5mm की एलन की चाहिए, सबके घर पे आराम से मिल जाएगी। Then you're gonna need a chain breaker. Chain बिना ब्रेक करे भी हो सकता है, लेकिन हम chain breaker के साथ करेंगे। Then you're gonna need some zip ties and उसके बाद आपको चाहिए Shimano के gears. जो मैंने यहाँ पे मंगाए हैं वो है Altus gears, जो कि पीछे 8 speed है। And इस shifter में मैं चेंज कर रहा हूँ, दैट इज़ ऑल्सो 8 speed. कई लोग होते हैं वो सिर्फ पीछे का डिरेलर चेंज करते हैं, एंड दैट इज काइंड ऑफ गुड। कई लोग ऐसे होते हैं शिफ्टर भी चेंज करते हैं, साथ साथ कैसेट भी चेंज करते हैं, तो सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। लेट्स सी हमारे पास कौन सी माइक्रोशिफ्ट की बाइसाइकिल है जो हम कन्वर्ट करेंगे। शिमानो 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 बस सारे शिमानो एक ही माइक्रोशिफ्ट निकाल ही देते हैं। तो दिस इज द M800 Pro आई गेस, ये मैंने पिछले साल रिव्यू करी थी, तो आपने अगर वो वीडियो वॉच करे तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसको हम लगा देते हैं अपने स्टैंड पे, दैट इज फ्रॉम लिस्टा। बंदा अच्छा है, मैं स्पेशल मेंशन, पता है सच में उसका नेचर काफी अच्छा है, तभी मैं ऐसे करता हूँ उसके लिए। कोई ऐसा नहीं कि पेट प्रमोशन टाइप से, पहले बता दूँ। So if you gonna see over here, यहाँ पर आपको माइक्रोशिफ्ट मिल जाएगा, इसके ऊपर 26 लिखा हुआ, that is the model over here. And इसमें जो कैसेट है, I guess this is 8 speed कैसेट, तब भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने 8 speed का डिरेलर मंगाया है। Now अगर आपके पीछे 7 speed कैसेट, आप 7 speed का डिरेलर भी मंगा सकते हैं। And I guess इसमें compatible होते हैं, जैसे मेरा Altus है यहाँ पे, आप 2D भी मंगा सकते हैं। So अगर आप सामने देखेंगे तो these are also the माइक्रोशिफ्ट shifters. मैं चेंज कर रहा हूँ इनको, लेकिन आई डू लव देम, क्योंकि इसमें काफी अच्छी लुक्स आती है। एंड सेकंडली इन शिफ्टर्स के बाद आप हाइड्रोलिक कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं शिमानो इंस्टॉल कर दूंगा तो हाइड्रोलिक कन्वर्ट करना बिल्कुल डिफिकल्ट हो जाता है। एंड लास्ट में इसकी कॉस्ट भी बता दूंगा आपको कितनी आई है। हाँ, मैंने एक चीज बताना भूल गया आपको कि आपको गियर केबल की भी जरूरत पड़ सकती है, इवन दो आई एम यूजिंग अ शिफ्टर जिसमें ओरिजिनली गियर की केबल आती है। तो अगर आप यहाँ पर आएंगे, थोड़ा क्लोजअप करेंगे, तो दिस इज द बोल्ट दैट यू गोना बी ओपनिंग अब। इसको जैसे ही ओपन करेंगे, आपके जो क्या बोलते हैं केबल है, ये निकल आएगी। एंड इसको आप पुल कर देंगे, जो आपकी ओरिजिनल वायर्स है, अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, ये सारी की सारी इसको अंदर रहने देंगे। एंड सबसे पहले हम डिरेलर चेंज कर देते हैं। डिरेलर आपका ये होता है जो आपको गियर शिफ्ट करता है। तो इसको निकालने के लिए अगर आप यहाँ पर क्लोजअप देखेंगे, तो यहाँ पर एक स्क्रू मिलेगा आपको, ये भी एलन की से खुलने वाला है, एन ए 5mm से खुलता है। सो इसको यहाँ पर करा हमने एंड ओपन कर दिया। थोड़ा फोर्स ज्यादा लग रही है, मुझे लगता है कितना हार्ड है, अभी खुलता है ना, ये इतना की फोर्स लग रहा है, ये नहीं सोचा था मैंने। नहीं, खोलने के लिए तो मैं खोल दूँ, जान लगा दूँ, लेकिन इतना जान लगती नहीं है, कसम से नहीं लगती। बच गया बच गया, बहुत ज्यादा सीज हुआ पड़ा था। ये गियर प्रोटेक्टर है, ये प्रोटेक्शन के लिए है, एंड ये तरह गियर है। इससे ज्यादा इस पे स्क्रू लगा रखे, पता है मेरे को, ओए इतना स्ट्रेस क्यों था इस पे भाई। अब आपका डिरेलर यहाँ पर हैंग हो चुका है, अगर आप देख सकते हैं, तो इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के लिए काफी तरीके हैं। अगर आपके पास मतलब चेन ब्रेकर नहीं है, जॉकी व्हील्स हैं, ये दोनों खोल सकते हैं, यहाँ से भी खुल जाएगा, यहाँ से भी खुल जाएगा, एंड चेन बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन इसको आप वापस अगर डालेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीका हो जाता है, तो मैं ईजी आपको तरीका बता देता हूँ जो आपको चेन ब्रेक करनी पड़ेगी। सो विल टेक दिस टूल ओवर हियर, सो विल ब्रेक द चेन ओवर हियर। इसको यहाँ पर रखना है किसी भी लिंक के ऊपर, एंड इसको घुमा देना है। अब ये चेन हो गई है ब्रेक। वन थिंग टू नोट, जो सो सामने का आउच, वन थिंग टू नोट के जो भाई पक्का कोई भूतिया पावर है, गौरवजोन वहां से जेल से मुझे याद कर रहा है। वन थिंग टू नोट के आपको जो फ्रंट डिरेलर है, इसको भी रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन मैं आज ये रिप्लेस नहीं करूंगा, मैं ओरिजिनल रहने दूंगा। तो दिस इज कॉल्ड एज ए डिरेलर हैंगर, ये एल्यूमिनियम का होता है। कई चीप वाइस में डायरेक्टली यहाँ लगा होता है, एंड कई में एल्यूमिनियम पार्ट अलग से लगा होता है। एंड इसे भी हम नया डिरेलर माउंट करेंगे। लेट्स अनबॉक्स दिस शिमानो डिरेलर। I'm going to be using this in deal also. सो इट इज टाइम कि हम इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर दें। एंड अभी चेन लगाने की जरूरत नहीं है, वो भी हम लगाएंगे बाद में। इसको थोड़ा सा हमें स्ट्रेच करना है, देन साथ साथ इसको यहाँ पर लगा देना है, एंड फिर एलन की से थोड़ा सा रोटेट करना है। ये हैंगर टेढ़ा है पूरा, ये पक्का इसका मतलब है गिरी है साइकिल। आपका लेफ्ट वाला होता है, इसको ऐसे प्रेस करेंगे, ऐसे 3 गियर्स आते हैं। जो राइट साइड वाला होता है उसमें 2-7 गियर्स 8 गियर्स आते हैं। सो विल चेंज दिस अप। सबसे पहले हमें ग्रिप्स निकालनी पड़ेगी यहाँ। उतरी अच्छी बात है कि टाइट है, गर्मी लग रही है मेरे को, तो क्या लग रही है? मैं एग्जॉस्ट चला देता हूँ। एलेक्सा टर्न ऑन एग्जॉस्ट। अब वेंटिलेशन हो जाएगी थोड़ी सी, जितनी जान में निकल रही है ना, पता नहीं लग रही होगी आपको। पहले एलन की हमें जरूरत पड़ेगी, इसको हम जो ब्रेक केबल है वो भी निकाल देंगे, गियर वाला डिरेलर है वो भी निकाल देंगे। एंड ये माइक्रोशिफ्ट का यहाँ से भी बाहर आ गया। अब देखेंगे ना, यहाँ पर एक वायर दिख रही होगी, इसको हमें खींच देना है।
ये हमारे डीरर बच गया है, इसके क्या करना है हम बाद में बताएंगे, इसको डाल दो इसके अंदर। एक और चीज आपने नोटिस करी होगी, ये जो ब्रेक की केबल है ना, सॉरी ब्रेक का लीवर है, ये भी आपका वेस्ट हो जाएगा बिकॉज इसमें इंटीग्रेटेड ब्रेक लीवर आता है। ऑनेस्टली बताता हूँ, अगर आप ये वाली केबल है ना इसको प्लास्टिक से घुसाने की कोशिश करेंगे, ये भाई आपकी शिफ्टिंग बुक खराब करेगी, तो इसको ऑनेस्टली आपको बहुत इजीली घुसाना पड़ेगा। ये थोड़ी सी ग्रीस है, इसको लगाने के लिए हम जिपटाई यूज करेंगे। ये ना मैंने प्रोसीजर करा, थोड़ा सा हैक टाइप का, इससे ना हाथ बिल्कुल गंदे नहीं होते। तेरे को क्या लगता है पैकेट कितने का होगा? 20 सही लगता है, 35 का मेरे को लगा, 100-200 का बोलेगा। एसी लग रहा है, खा ले पीनट बटर है तेरा। इसको पास से दिखाइयो, यहाँ पे अप्लाई करना है थोड़ा सा, देन वायर इंसर्ट करने नहीं है। अब हमें थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करना है, या तो प्लास्टिक यूज कर सकते हैं। जब पहली केबल आप यूज करेंगे उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेच करने की जरूरत पड़ेगी बिकॉज वो ढीली होती रहती है। अब मैं इंडेक्सिंग करूंगा इसकी प्रॉपरली, उसकी आप बता चुका हूँ कि वीडियो आपको दिख जाएगी। बेसिकली आपके पास एक पूरी ड्राइव ट्रेन ऑलमोस्ट आ चुकी है, तो इसको या तो आप सेल ऑफ कर सकते हैं या फिर आप पार्ट्स क्लियर कर सकते हैं। समझ लो ये खराब हो गया, टूट गया, तो इसको रिप्लेस कर दिया। फिर मैं एक और चीज बता दूं, जो फेक होते हैं मार्केट में बहुत ज्यादा आते हैं, ऑथेंटिक सेलर से लेना वो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। बिल होना चाहिए मेरा, हाँ ये 3600 रुपीज, 2200 का मेरे को वो पड़ा है 3x8 का शिफ्टर्स एंड 1400 रुपए का पड़ा है डेरेलर। चेन एक लगानी है एंड साथ में हमने ब्रेक की भी एडजस्टमेंट करनी है। इसमें बड़ा इजी रहता है ब्रेक तो चेंज करना, बेसिकली सिर्फ आपको ये वाली चीज पुल करनी है इसमें एंड सेम चीज यहाँ पर बड़ी इजीली लग जाती है। ये देखो ऐसे करी एंड ये लग गई एंड दैट्स इट, हमारे सामने का शिमानो कन्वर्ट हो चुका है। पता ही इसमें इजी क्या था, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सारा सिस्टम लगा हुआ है, सेम ही तो करना है काम, मतलब कुछ मॉडिफिकेशन नहीं है ज्यादा, क्योंकि ये चेन लगाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कई बार स्लिप मार जाती है। दैट्स इट, हो गया। माइक्रोशिफ्ट निकाले, इसको बाहर निकाल दिया, शिफ्टर्स निकाले, इसको बाहर निकाल दिया, ये जो ओरिजिनल ब्रेक केबल थी इनको बाहर निकाल दिया, जो भी केबल थी उसके अंदर नई इंसर्ट कर दी, थोड़ी ग्रीसिंग कर दी, साथ साथ आपकी जो ब्रेक केबल थी वो इसके अंदर इंसर्ट कर दी। ना हमें कैलिपर उसकी अपग्रेड करने की जरूरत पड़ी या फिर कुछ भी हमें एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। दैट्स इट, बस इतना ईजी है इसको कन्वर्ट करना। Before ending this video, let me take a few questions. So the first question is this from Instagram actually. ये Janissa07 का है। What does Vaibhav do for living to be able to afford so many bike? क्या बताऊँ? हैं? टेक्निकली हाँ, वीडियोस बनाता हूँ साइकिल की, भाई मेरी जितनी इनकम है साइकिलिंग से ही होती है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस आल्सो फ्रॉम इंस्टाग्राम, ये honey_life का है। आई फील वेरी अनसेफ पार्किंग साइकिल स्ट्रक इन अ पार्किंग लॉट, पीपल वुड मिस दिस स्टफ। उस पे वीडियो था, इस पे 1 मिलियन व्यूज आए थे। किस बात कहे थे मुझे अभी तक कोई आइडिया नहीं। तो उसने बताया है कि साइकिल बाहर रखने पर ये कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं लोग। आई वुड से कि अगर आपके पास साइकिल है ना भाई, अंदर ही रखो इसको, धूप से बचेगी, सब कुछ वेदर से बचेगी, कोई भी मैस आउट नहीं करेगा। एंड अगर ऊपर रहते तो फिर तो देखना पड़ेगा क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये यूट्यूब से है, इन्होंने लिखा सौरभ बोरो ने, ऑफरोडिंग करते हो क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल एंटी पंचर लिक्विड लगाना चाहिए, सेकंड ऑफ ऑल पानी बहुत ज्यादा रखना चाहिए, कई लोग कम पानी क्या करते हैं। एंड रोड पे तो आपको चलो पानी मिल जाता है, ऑफरोडिंग में पानी नहीं मिलेगा। टूल किट कैरी करनी चाहिए, और भी सारा स्टफ होता है जो भी है आपको वीडियो नीचे मिल जाएगी, पुरानी बहुत वीडियो है, अभी मैं एक नई वीडियो बना दूंगा इस बारे में कि ऑफरोडिंग के टाइम पे क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। लेट्स सी कि पुराने वाली वीडियो फर्स्ट कौन आया था। दिस फ्रॉम नाजिया बेगम ने लिखा फर्स्ट, एंड जो भी फर्स्ट होता है उसमें हार्ट मार्क कर देता हूं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। वीडियो पसंद आती है इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल पसंद आता है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं ऐसी और भी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। एंड अगर आप अपनी बाइसिकल में कन्वर्ट करना चाहते हैं माइक्रोशिफ्ट और शिमानो, तो उसके लिए हम नीचे डिस्कशन भी कर सकते हैं कि क्या क्या आप चीजें डिफरेंट करेंगे, कैसे अपनी कॉस्टिंग बचाएंगे, या फिर कौन सी चीजें आपको करनी चाहिए। जो सारे लिंक्स है प्रोडक्ट्स के वो भी आपको नीचे मिल जाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, दिस फैट बिग वैभव साइनिंग ऑफ।